थक गए हैं, फिजिकल नहीं हो रहा है तो माइंडली जो जो बॉडी है ना थक गई है। जैसे अभी फिजिकली डल जाए ना तो वैसे की वैसे। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको जानकारी हम सटीक और सही जानकारी देते हैं। आज का जो वीडियो है ये वास्तविकता आपके बिल्कुल हित के लिए बनाया हमने, और वीडियो आप अंत तक देखें, आखिरी तक वॉच करें, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल से लेके तो रिजल्ट तक। आप सभी को पता है कि अगस्त से लेके तो सितंबर तक माह तक आपका पेपर हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस का। फिर आपको लगा था कि हमारे इतने नंबर है तो आप सभी ग्राउंड पर आए थे, और हमारे पास भी काफ़ी बच्चे आए थे, सर के पास भी आए, मेरे पास भी आए। अब समस्या ये है कि 5 से 6 महीने हो गए हैं, बस सर बच्चों के कमेंट ये है, मतलब बच्चे ये बोल रहे हैं मेरे को कि सर दौड़ दौड़ के हमारे घुटने हैं ना, घुटने हमारे घुटनों का गिरिस चला गया, हील चला गया है, पहली बात। और आपके माता पिता को इतने आपको इतना मतलब इतने सक्षम तो है नहीं सर ऑलरेडी, जो 4,000-5,000 की हर महीने डाइट दे सके। तो सर बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि हमारा डाइट भी कम हो जाए, क्योंकि उनके माता पिता कब तक पैसा देंगे। तो आप ये बच्चों को ये सजेस्ट करें कि बच्चा डाइट कम कैसे करे, डाइट कम करें तो क्या उसके फिजिकल पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर वो वर्कआउट थोड़ा कम करे, बताइए आप। देखो ऐसा है कि बिना डाइट के तो खेल नहीं होगा, यदि आप वर्कआउट कर रहे हो जिस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हो आपको उस हिसाब से डाइट लेना पड़ेगा। यदि आप डाइट नहीं लोगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर एनर्जी है वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डैमेज टाइप की होगी, मतलब आपकी एनर्जी लॉस होगी, क्रीम वगैरह आएगा बॉडी में, तो आपको डाइट लेना पड़ेगी यदि आप वर्कआउट कर रहे हो तो। और सर काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि अपन काजू बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, तो अपन ने बात करी थी, अपना ये मानना है कि काजू बादाम ज़्यादा महंगा आता है, जो ज़्यादा महंगी चीज़ आती है आप उसको कम कर दो, बच्चे अपने कांटे वाले चने हो गए, हरा मूँग हो गया, बस ये छोटी मोटी चीज़ें आप ले लो तो भी इससे काम हो जाएगा सर। आप अपना शेड्यूल बना लो, जैसे सुबह मॉर्निंग में ग्राउंड जाते हैं, इसके बाद स्प्राउट जैसे चने, सोयाबीन, मूंग, फली के दाने, बादाम, ये गांव से के रहने वाले लोग तैयारी भी करते हैं, तो उनके पास ये उनके बजट के अकॉर्डिंग ये स्प्राउट बन जाते हैं। स्प्राउट खा लो सुबह, इसके बाद दिन में एक बार जूस पी लो, एक बार दूध पी लो, एक टाइम जूस और नॉर्मल जैसे 2-1 केला खा लिए, इतनी भी आप डाइट ले तो अभी इतना कोई स्प्राउट वगैरह तो कर ही नहीं रहे, जैसे वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब डेट आया थी जब बॉडी को ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और जब ज़्यादा डाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी तो नॉर्मली वर्कआउट चल रहा होगा, जैसे स्टेमिना वर्कआउट चल रहा होगा, लॉन्ग और रनिंग चल रही होगी, तो इतना ज़्यादा डाइट भी नहीं लगेगा, पर डाइट तो लेना पड़ेगी। अच्छा सर, काफ़ी बच्चा ये भी बोल रहा है कि सर हम मैदान पर जब बच्चा आया था ग्राउंड पर अपने पास तो बड़ी दमदारी से आया था, और बच्चों का पीठ सुने सभी बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, दूसरी एकेडमी के बच्चों की भी हम तारीफ करेंगे, सभी बच्चों की तारीफ करेंगे जो भी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एफर्ट बहुत अच्छा था सर उनका, बट सर अब उनकी बॉडी ऑटोमेटिक सी लॉक हो रही है, जैसे अब मेरे पास भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके पास भी कर रहे हैं, तो बॉडी लॉक हो रही, तो सर उसका रीज़न क्या है? वो क्या माइंड थक गए हैं, फिजिकल नहीं हो रहा है तो माइंडली जो उनकी जो बॉडी है ना थक गई है, जैसे अभी फिजिकली डल जाए ना तो वैसे की वैसे बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। वो तो क्या है सामने भी क्या उनको लग नहीं रहा कि हमारी डेट है कब, अभी उनको ऐसा एग्जिट तरीके वो पता नहीं कि हमारा फिजिकल कब होगा, इसलिए क्या कि बॉडी की जो एनर्जी है ना वो लग नहीं पा रही सही दिशा में। अगर फिजिकल की डेट तो ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आता है तो क्या बच्चों में वो एनर्जी देखने को मिलेगी? यदि बच्चा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है ग्राउंड पे, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल छोड़ दिया, जैसे वो ग्राउंड पर आएंगे ना तो डायरेक्ट स्पीड वर्कआउट करेंगे, तो स्पीड वर्कआउट यदि आप करते हो एकदम बॉडी को उठाओगे तो आपको इंजरी के चांस रहेंगे, कभी घुटने दर्द करेंगे, कभी सीन पेन होगा, कभी एंगल दर्द करेगा। और जो बच्चे कंटिन्यू लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, स्टेमिना वर्कआउट रनिंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ स्पीड वर्कआउट करना पड़ेगा, उनकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए, पैर इतने मजबूत हो गए स्लो स्लो दौड़ दौड़ के, कि जब वो लास्ट जैसे 15 दिन का टाइम मिलता है, 1 महीने टाइम मिलता है, तो वो स्पीड वर्कआउट कर लेगा और उनको इंजरी के चांस नहीं रहेंगे और अपने भर्ती अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। अपन ने पिछली बार कटअप पे एक वीडियो बनाया था, अभी अपन ओवरऑल एक दोनों फिजिकल का वो बनाएंगे, तो मतलब अगर अपनी बात करें आपके ग्रुप में टॉप से टॉप लड़के में फिजिकल में कितने नंबर, टॉप से टॉप बच्चे? टॉप मेरे पास 85 तक है, 85 लड़कों में, और गर्ल्स की बात करें तो 96-97 तक गर्ल्स पहुंच जाती है, गर्ल्स का जो रनिंग है वो 2:55 में मार देती है लड़कियाँ, पर लड़के की 2-4 में आना बहुत मुश्किल टास्क हो गया, और गोला भी लड़कों का बहुत कम लोग हो जाता है 28 फीट, पर लड़कियों का जैसे 22-23 चला जाता है। जो 85 जो टॉप लड़का आपके पास उसकी कैटेगरी थोड़ा सा बता, ओबीसी। और जो गर्ल्स आप बता रहे 96 उसकी कैटेगरी, एक एसटी है, गर्ल्स में तो क्या सभी का एक्चुअल वो अच्छा है। अच्छा, अब हम सर बात करें कि जो 85 का रेशो है फिजिकल में, तो सर थोड़ा सा अपने बच्चों को भी अपन बताना चाहेंगे, जो 70 और 85 के बीच का जो रेशो है इसमें आप बता सकते हैं, मतलब रेशो में कितने लड़के टॉप 10 में हैं कि नहीं?
देखो ऐसा है कि वैसे अच्छे बच्चे सभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे 7-7 महीने से, तो उनका फिजिकल इवेंट्स अच्छा हो गया, रनिंग भी अच्छा रही, 2-10, 2-15 तक मार रहे हैं काफ़ी लड़के हमारे, और इसके बाद शॉट पुट भी 25-26 एवरेज जा रहा है, और जंप की बात करें तो ये 16 किसी 17 किसी 18 जंप करने वाले पर जिनकी जंप है उनका गोला नहीं जाता, जिनका गोला जाता है उनका जंप नहीं आती। ये देखो इसमें समस्या ऐसी है, जिनकी हल्की बॉडी रहेगी ना उनकी रनिंग भी अच्छी रहेगी, जंप भी अच्छा रहेगा, इसकी भारी बॉडी है मतलब जैसे वेट ज़्यादा है तो शॉट पुट ज़्यादा फेंक देगा लेकिन उसकी रनिंग और जंप अच्छा नहीं रहेगा। सर इसमें 800 मीटर रनिंग है, लॉन्ग जंप है और शॉट पुट है, तो क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को कि अगर जैसे तीनों इवेंट तो सर किसी के भी परफेक्ट नहीं हो सकते, तो बच्चों को कितने इवेंट कंप्लीट करना है? देखो आपके 2 इवेंट्स अच्छे होना चाहिए, जैसे आप हल्की वो कुछ भी हो, हाँ चाहे रनिंग, आप रनिंग कर लो या जंप कर लो या जंप या शॉट पुट कर लो, क्योंकि देखो रनिंग में 40 नंबर है, लॉन्ग जंप में 30 नंबर है और शॉट पुट में 30 नंबर है, पर आपके 2 इवेंट्स यदि अच्छे रहेंगे ना तो एक इवेंट यदि कमजोर भी रहेगा तो आप 80-85 का एवरेज नंबर ले आओगे। अच्छा बच्चों का ये डाउट होगा अभी कि जो 85 वाला अपना टॉप बंदा है आपका लड़का है उसका रिटर्न में नंबर कितने हैं? उसके रिटर्न में 75 नंबर है। 75 तो 75-85 यानी 75 उसके रिटर्न में है और 85 फिजिकल में। सर रेशो फिजिकल में 60-65 का ज़्यादा है, मेरे पास भी ऐसा लगा सुनने में आया 70-85। लड़कों को मार्क्स लड़कियों की अपेक्षा कम आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों का जो इवेंट्स है ना वो लड़कियाँ क्वालिफाई कर लेती, 2-55 में लड़कियाँ दौड़ जाती, करीबन 5-7 लड़कियाँ हमारी 2-3 मिनट के नीचे दौड़ जाती हैं, पर लड़के एक भी लड़का ऐसा नहीं है तो 2-4 के नीचे दौड़ता है, और अपने पास ऐसे कोई स्पोर्ट इवेंट वाले भी नहीं है कि भैया वो रनिंग रनिंग करते हैं नॉर्मल, क्योंकि जो जिनका इवेंट्स रहता है 800 मीटर 400 मीटर वो दौड़ जाते हैं 2 मिनट 4 के, पर उनसे जंप ये जंप हो गया शॉट पुट नहीं आएगा फिर कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस वालों को यही बोलना चाहेंगे हम, आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छे लग भी रहे हैं, हमारे वीडियो काफ़ी चल रहे हैं, तो आप वीडियो को हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम ये जो वीडियो बनाते हैं ना ये हम दोनों भाई चर्चा करके बच्चों की परेशानी समझ के और बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है, पुलिस वाले बच्चे भी क्या सोच रहे हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, और अभी हमारा पुलिस टॉपिक है, दूसरे भी हम टॉपिक पे लाते हैं, SSGD पे भी हम टॉपिक हमारा वीडियो लाएंगे, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।